स्वागत है और आज आप ऑनलाइन सीखने वाले हैं स्टेनो। स्टेनो का पार्ट नंबर कितना है? 22। और 22 नंबर पार्ट में आप सीखने वाले हो कैसे मात्राओं का उपयोग कैसे करोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी बनने वाली है, इसलिए थोड़ा सा पार्ट सब फास्ट समझाऊंगा मैं आपको, इसलिए कोई भी गलती हो और समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए। और देखो है, जैसे मैंने आपको लय और लय बताया था, दो टाइप्स है, उसी टाइप से अपना है बनने वाला है, दो प्रकार से बनने वाला है, इसलिए पहला पार्ट में आपको समझा रहा हूँ। देखो है जो होता है एक ऐसे बनता है, अब ये जो बना है ऊपर से नीचे की तरफ बना, इसलिए एक नंबर नीचे, दो नंबर और तीन नंबर, ऐसे नंबरिंग होती है। इसका ऊपर वाला भाग स्वर और नीचे वाला जो भाग है ना वो मात्राएं होती है। तो इस वाले में तो सिंपल और सरल है, ये वे और रे के अंदर जो पहले वाला रे फर्स्ट वाला है उसके जैसे मात्राएं लगने वाली, सिंपल और सरल और आसान है। चले कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग पूरा समझते हैं। देखो है मैंने इस तरीके से बनाया, यदि मैं ऊपर डॉट लगाता हूं तो इसमें ऊपर स्वर है और नीचे क्या है मात्राएं, ठीक है। और इसमें ऊपर डॉट लगाने पर यहाँ पे एक नंबर पे है बनेगा, नीचे की तरफ मात्रा लेकिन है नहीं। दो नंबर पे मैंने अगर किया तो यहाँ पे दो नंबर पे ए और आई बन जाता है, लेकिन नीचे अगर आप दो नंबर में लगा देते हो तो ए की मात्रा और आई की मात्रा लग जाती है। तीन नंबर पे ऊपर यदि लगा देते हो डॉट तो ये बन जाता है छोटी ई और बड़ी, लेकिन नीचे की तरफ यदि आप बना देते डॉट लगा देते हो तो छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा बन जाती है। कितना सिंपल और सरल और आसान है। इसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं सी। सी में आप ध्यान से देखिए, ये बन गया आपका है। इस सेम है, आप यदि एक नंबर में यहाँ पे लगा देते हो तो इसमें भी सेम वही तरीका है, यहाँ पे स्वर और नीचे की तरफ क्या है मात्रा, ठीक है। यहाँ पे आप लगाते हो ऊपर डैश तो ये बनेगा आ, और नीचे यदि आपने डैश लगा दिया हो तो आ की मात्रा। दो नंबर में यदि आपने डैश लगा दिया तो ये बन जाता है ओ और औ की मात्रा, और नीचे यदि डैश सॉरी औ ओ और औ स्वर, और यहाँ पे अगर नीचे लगा देते हो तो ओ और औ की क्या बन जाती है मात्रा। तीन नंबर पे यदि ऊपर डैश लगा देते हो तो छोटा ओ और बड़ा ओ बन जाता है, और नीचे की तरफ यदि मात्रा लगा देते हैं तो छोटे और बड़े ओ की मात्रा लग जाती है। कितना सरल और आसान है, क्यों नहीं सीखते हो? सीखो और मिलो मेरे से 15-20 दिन में, सप्ताह में, आप कभी भी आके यहाँ पूछ सकते हो कोई भी ऑफलाइन भी चीजें, ठीक है। आप हम लोग इसमें देखते हैं क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें से। है यदि हमने लिखा है, हो लिखना है हो, और एक हो जाता ओ, ओ तो ओ लिखेंगे तो पहले है और ओ, फिर है लिखने के बाद ओ की मात्रा, ओ की मात्रा आपके बीच में है तो यहाँ पे बीच में लग जाएगी। यदि ओहो ऐसे लगेगा, ओ पहले ये वाला आ रहा तो पहले है बनाया, फिर ओ की मात्रा ये ऊपर की तरफ लगेगी। बस इतना सा अंतर है, आपको कोई ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल और सरल और आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये था है का ए पार्ट, और अब मैं आपको समझाने वाला हूँ है का बी पार्ट, ठीक है। मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए आप वीडियो को एक बार नहीं दो बार देखे समझ में आए तो वीडियो को और इसको स्टॉप करके भी देख सकते हो। लाइक कमेंट शेयर करते रहे ताकि आपको मेरी मेहनत कंटिन्यू चलती रहे, वरना मैं अगर बीच में स्टॉप कर दिया तो आपकी क्लासें यही हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहे और सब्सक्राइब भी करें नए यूजर है तो। है हम लोग सेकंड टाइप से बता रहे हैं, तो है एक अपना ऊपर से नीचे की तरफ और बनता है। ये अपना ऊपर से नीचे बना तो इसमें नंबरिंग यहाँ से होगी एक दो और तीन, ठीक है। इसमें सेम ही उसके जैसा ही है वैसे तो, स्वर और मात्रा, ऊपर स्वर है नीचे मात्रा है तो कोई ज्यादा परेशानी वाली बात तो है नहीं। ये हो जाता ए पार्ट, यानी कि बी पार्ट अपने इसमें समझते हैं है। इसमें ऊपर वाला स्वर और नीचे वाला भाग क्या बनेगा मात्रा, ठीक है। यदि इसमें ऊपर से नीचे बना रहे तो यहाँ डॉट लगाने से क्या बनेगा, यहाँ डॉट लगाने से बनेगा आ, और नीचे डॉट लगाने से मात्रा जो है नहीं। दो नंबर पे लगाते थे हम लोग तो यहाँ बन जाता है ए और आई, लेकिन यहाँ पे दो नंबर पे नीचे की तरफ लगाते हैं तो ए की मात्रा और आई की मात्रा। इसके बाद में ऊपर की तरफ यदि मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ तो ये बन जाता है छोटी ई और बड़ी, यदि मैं नीचे की तरफ लगा देता हूँ तो ये बन जाता है छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। सरल और आसान है, सेम उसी के जैसे है, बस लेके क्या है कि इसमें है पहले वाले में अपना है जो था वो इस टाइप से था, ऊपर से नीचे की तरफ था, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ है, बस नंबरिंग का फर्क है। यहाँ एक यहाँ था, दो यहाँ था, तीन यहाँ था। इसमें क्या था, यहाँ पे एक नंबर इधर है और इसमें दो सेम ही है लेकिन तीन नंबर नीचे की तरफ, बस इतना सा अंतर है। इसके बाद में सी पे आते हैं। सी में कैसे बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ हम लोगों ने ये बनाया इस तरीके से, और इसके बाद में इसमें ऊपर वाला भाग स्वर
और नीचे वाला भाग क्या होता है मात्रा, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर पे अपने डैश लगाया तो ये बन जाता है आ, और नीचे डैश लगा दिया तो आ की मात्रा, बीच में डैश लगा दिया तो यहाँ बन जाता है क्या ओ औ, ठीक है, और नीचे डैश लगा दिया तो क्या बन जाता है ओ की मात्रा और औ की मात्रा। इसके बाद ऊपर डैश लगा दिया तो बन जाता है छोटा ऊ, और नीचे डैश लगा दिया तो बन जाता है ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। कितना सिंपल सरल आसान है, लेकिन फिर भी आप स्टेनो सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देने वाला हूँ, और ये हो गया मान लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मैं इस टाइप से बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इसमें है बनाना है, जैसे मुझे हक लिखना है, जैसे मुझे लिखना हो कर, ठीक है, तो इसमें होकर में जैसे है, तो यहाँ पे मैं जो मैं है बनाने वाला हूँ ऊपर से नीचे वाला बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब इस हो में फिर ये क्या हो गया और ये रह हो गया, तो हो में जो मात्रा आने वाली है वो नीचे की तरफ आने वाली है दूसरे नंबर पे, देखो ये देखो हो दूसरे नंबर पे और हो की मात्रा, ठीक है, ये हो गए होकर। अगर कोई चीज ऐसे आ जाए जैसे पहले वो आ जाए, जैसे आ जाता है ठीक है, जैसे वाले कुछ भी मैं बना देता हूँ आहा, जैसे आहा आ गया, ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले आपको इस टाइप का है बनाना है, इसके बाद मात्रा लगानी है तो आपको ऊपर की तरफ लगा देनी आहा, ठीक है। देखो यार ध्यान से देखो, ये यहाँ पे लगा हुआ है, तो बड़ा सिंपल सरल आसान है स्टीनो सीखना। कोशिश कीजिए, सीखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, और आपको इसमें कोई भी समस्या आती है तो आप संडे को ब्राइटवुड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नियर पायलबेरी जो रामगढ़ में या फिर अलवर में, लेकिन जितने पार्ट मैंने पढ़ाए सिर्फ उतने पार्ट की चीजें हैं आप मेरे से पूछ सकते हो आके, लेकिन वीक में सिर्फ एक बार। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।